हमने प्रभु के आदेश के अनुसार वहां से आगे चलकर लाल समुद्र के मार्ग से उजाड़ खंड की ओर प्रस्थान किया और बहुत समय तक सेईर के पहाड़ी प्रदेश के चारों ओर चक्कर काटते रहे। इसके बाद प्रभु ने मुझसे कहा, तुम लोग काफी समय तक इस पहाड़ी प्रदेश के आसपास चक्कर काट चुके हो, अब उत्तर की ओर मुड़ो। लोगों से कहो कि जब तुम अपने भाइयों अर्थात सेईर के निवासी एसाव के वंशजों के देश से होकर जाओगे तो वे तुमसे डर जाएंगे, इसलिए सावधान रहो, तुम उनसे छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि मैं उनके देश में पैर रखने तक की भूमि भी तुम्हें नहीं दूंगा। मैं एसाव को सेईर का पहाड़ी प्रदेश उसके अधिकार में दे चुका हूँ, तुम उन्हें कीमत देकर भोजन और पीने का पानी खरीदो। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुमको तुम्हारे प्रत्येक काम में बहुत आशीर्वाद दिया है। उसने विशाल उजाड़ खंड की यात्रा में तुम्हारी रक्षा की है और प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने पिछले 40 वर्षों से तुम्हारा साथ दिया और तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। इसलिए हम एसाव के वंशजों सेईर निवासियों के देश से आगे चलकर अराबा के मार्ग छोड़कर एलत और एसियोन गेबेर के पास मोआब के मैदानों की ओर चल पड़े। वहां प्रभु ने मुझे ये आज्ञा दी थी, मोआबियों को मत सताओ और उनसे युद्ध मत करो, मैं तुम्हारे अधिकार में उनके देश का कोई अंश नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आर प्रदेश लोट के वंशजों के अधिकार में दे दिया है। इनके पहले उस देश में एमी लोग रहा करते थे, जो अनाकियों के समान बलवान, बहुसंख्यक और ऊंचे कद के थे। वे अनाकियों की तरह रफाई माने जाते थे, किंतु मोआबी उन्हें एमी कहते हैं। सेईर प्रदेश में पहले होरी लोग रहते थे, परंतु एसाव के वंशजों ने उनका विनाश किया और उनका देश अपने अधिकार में ले लिया। इसराइलियों ने भी ऐसा ही उस देश में किया जिसे प्रभु ने उनके अधिकार में दिया था। प्रभु ने कहा, अब उठकर जेरेद पार करो। इस पर हमने जेरेद पार किया। जब तक हमने कादेश बरने से लेकर जेरेद नाला पार किया, तब तक 40 वर्ष बीत गए। तब तक शिविर के योद्धाओं की पूरी पीढ़ी की मृत्यु हो चुकी थी, जैसा प्रभु ने शपथ खाकर उनसे कहा था। सच पूछो तो जब तक उनका शिविर से लोप नहीं हो गया, तब तक प्रभु का हाथ उन्हें दंडित करता रहा। जब समुदाय के सब योद्धाओं की मृत्यु हो गई, तब प्रभु ने मुझसे कहा, आज तुम आर के पास मोआब की सीमा पार करने वाले हो, अमोनियों के पास पहुंचकर उनको नहीं सताओ और न उनके विरुद्ध युद्ध करो, क्योंकि मैं अमोनियों के देश का कोई भाग तुम्हारे अधिकार में नहीं दूंगा, मैं उसे लोट के वंशजों के अधिकार में दे चुका हूँ। ये देश रफाइयों का देश भी कहा जाता है, इसमें पहले रफाई लोग रहा करते थे, अमोनी लोग उन्हें जमजुमी कहते हैं। वे अनाकियों के समान बलवान, बहुसंख्यक
और ऊंचे कद के हैं, पर प्रभु ने उन्हें अमोनियों के आने पर भगा दिया, इसलिए इन्होंने उनके देश को अधिकार में ले लिया और वहां बस गए। प्रभु ने सेईर के निवासियों एसाव के वंशजों के लिए वैसा ही किया। उनके आने पर उसने होरियों को भगा दिया था, जिससे वे उनका देश अपने अधिकार में कर लें और उनके स्थान पर वहां बस जाएं। वे आज तक वहां बसे हुए हैं। कफ्तोर से आए कफ्तोरी लोगों ने भी अव्वियों को, जो गाजा तक गांव में रहते थे, भगा दिया था और उनके स्थान पर वहां बस गए थे। अब आगे बढ़ो और अरनोन नाले को पार करो। मैं हिशबोन के अमोरी राजा सीहोन और उसके देश को तुम्हारे हाथ देता हूँ। उस देश को अपने अधिकार में लेने का उपक्रम करो और उन पर आक्रमण करो। मैं आज से सारे संसार के लोगों में तुम्हारे प्रति आतंक और भय उत्पन्न करूंगा। जो लोग तुम्हारे विषय में सुनेंगे, वे तुम्हारे सामने थरथरा कर कांपने लगेंगे। इसलिए मैंने कदेमोत के उजाड़ खंड से हिशबोन के राजा सीहोन के पास दूतों द्वारा ये शांति संदेश भेजा। मैं आपका देश पार करना चाहता हूँ। मैं सीधे मार्ग से निकल जाऊंगा। मैं ना दाहिनी ओर मुड़ूंगा और ना बाईं ओर। आप कीमत लेकर मुझे भोजन और पीने का पानी दीजिए। मुझे केवल पार करने दीजिए। सेईर में रहने वाले एसाव के वंशजों ने भी मेरे लिए ऐसा ही किया था, और आर निवासी मुआबी लोगों ने भी। मैं यर्दन पार कर केवल उस देश में पहुंच जाना चाहता हूँ जो प्रभु हमारा ईश्वर हमें देने वाला है। परंतु हिशबोन के राजा सीहोन ने हमें अपने देश से होकर नहीं जाने दिया। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उसका मन हठी और उसका हृदय कठोर बना दिया था, जिससे वो उसे हमारे हवाले कर दे, जैसा कि बाद में हुआ। तब प्रभु ने मुझसे कहा था, मैं सीहोन और उसका देश तुमको देने वाला हूँ। तुम उसे जीतने का उपक्रम करो और उसे अपने अधिकार में कर लो। सीहोन अपनी सारी सेना के साथ यहज में हमारा सामना करने आया, किंतु प्रभु हमारे ईश्वर ने उसे हमारे हाथ दे दिया। हमने उसे, उसके पुत्रों और उसकी सारी सेना को परास्त किया। हमने उस समय उसके सब नगरों पर अधिकार कर लिया और उनके निवासियों का, पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों सब का सर्वनाश किया। हम उनके पशुओं को और विजित नगरों की लूट अपने साथ ले गए। अरनोन के तट पर स्थित अरोयेर और घाटी में स्थित नगर से लेकर गिलआद तक का कोई नगर ऐसा नहीं था जो हमारा सामना कर सके। प्रभु हमारे ईश्वर ने उन सब को हमारे हाथ दे दिया था। तुमने अमोनियों का देश, यबोक नदी के किनारे का समस्त भूभाग और पहाड़ी प्रांत के नगरों को अधिकृत नहीं किया, जैसा कि प्रभु हमारे ईश्वर ने तुम्हें आदेश दिया था।